हाँ बाबा। ओए नवीन, आ गई आ गई आ गई। क्या वो नई ब्लॉकबस्टर ऑनलाइन रिलीज हो गई? आज शाम का प्रोग्राम फिक्स है, इसलिए जल्दी बता रहा हूँ। पापा, थिएटर वाली फिल्में टीवी पे देख के कब तक खुश हो गए आप? क्यों, उसमें क्या बुराई? पापा, इसमें अच्छा क्या है? कोई बड़े मल्टीप्लेक्स तो नहीं जाएंगे, घर पे बैठ के देखेंगे, क्योंकि बाहर तो सब कुछ बंद है। दोस्तों से मिलने के लिए रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, एक दो छुट्टियां जो मिलती थी वो भी कैंसिल, और फैमिली के साथ गोवा क्रूज वो तो भूल ही जाओ। क्या हुआ प्लान का? डूब गया। मुझे तो इस बार लगता है ना दिवाली की बत्ती गुल है, ना बाहर जाएंगे ना शॉपिंग करेंगे। शेरवानी छोड़ो, मेरा तो ना रुमाल खरीदने का भी मन नहीं कर रहा है। ये तो अच्छा है ना। छोड़ो पापा यार, आप मतलब पिक्चर के, आउटिंग के, शॉपिंग के, रेस्टोरेंट के, ये सारे पैसे बचे ना, इस सब को तू इन्वेस्ट कर सकता है अपने वर्ल्ड टूर के लिए, स्टार्टअप के लिए, और वो क्या है तेरा प्री मैच्योर रिटायरमेंट, वो भी तो हो सकता है ना। प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं, अर्ली रिटायरमेंट। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। इन सारी जगह पर ना जा करके जो तेरे पास पैसे बचेंगे वो तू अपने सारे फ्यूचर लाइफ गोल्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है ना। बाप की नहीं, दोस्त की बात समझ के मान ले। दोस्त की बात सही तो है। लॉकडाउन में आपके जो भी खर्चे बच रहे हैं उन्हें अपने लाइफ गोल्स पूरे करने में इन्वेस्ट कर लो। लॉग ऑन टू bajajalianclife.com और सेविंग्स टू लाइफ गोल्स कन्वर्टर पर अपनी लॉकडाउन की सेविंग्स कैलकुलेट करो। अपने लाइफ गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स चुनो। समझो हो गया।